आज आप शामिल हुए लगातार जा रहे हैं। आज दुर्ग में दो बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाई, एक 12वीं में तीसरा रैंक बनाया है उतई क्षेत्र के बालक ने, और एक दुर्ग क्षेत्र की बालिका ने 10वीं में 7वां रैंक बनाया है। दोनों शासकीय स्कूल से पढ़े हुए हैं। जो बालिका है यहाँ अभी हम लोग आए हुए हैं, इस बालिका के 9 भाई बहन हैं। उनके पिताजी मर्डर 302 के केस में जेल में गए हुए हैं, उसके बाद भी उन बच्चों के लिए आदर्श है जो केवल सिचुएशंस को लेकर रोते हैं, हमें ये नहीं प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, समस्याएं उनको रोक नहीं सकती, समस्याएं उनको और मजबूत बनाती है। ये बालिका उसकी एग्जाम्पल है। गरीब परिवार की रहने वाली है, पिताजी जेल में है, इतने सारे भाई बहन हैं, बहनों की 7-6 बहनें इससे बड़ी हैं, एक की शादी हुई है, 5 की शादी बची हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं छोटा सा घर है इसका बस्ती के अंदर, और मेहनत से इसने जो है राज्य भर में 7वां रैंक लाया है। बालिका जो है प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है बड़े होकर। इसको मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये 12th में अच्छा करे, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, और फिर जो इसकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण कर सके। आज मैं उन बच्चों के लिए भी कहूँगा जिनके अच्छे नंबर नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं कर पाए, उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों का साथ दें, बच्चों से बातचीत करें, बच्चों के साथ संवेदना व्यक्त करें, कोई भी ऐसा निगेटिव कमेंट ना दें जिससे बच्चे को दिल को लग जाए और बच्चा कोई गलत कदम उठाए। जिन बच्चों ने अपेक्षा के अनुसार अच्छा रिजल्ट किया है उनके पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, बच्चों का उत्साह करें। लेकिन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है एक लंबी दौड़ है, कभी कोई पीछे छूट जाता है, फिर वो आगे निकलता है, फिर पीछे छूटता है। असफलताओं से डरे नहीं, असफलताओं से निराश ना हो, अपने आप को कमजोर ना बनाए। असफल होते हैं तो फीडबैक लें कि क्या कमी रह गई, और ऊर्जा के साथ जो है तैयारी करें। जिन्होंने 10th में अच्छा नहीं किया और 12th में अच्छा करें, 12th में नहीं कर पाए ग्रेजुएशन में अच्छा करें, ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा करें, उसके बाद एंट्रेंस देके अच्छे जॉब में जा सकते हैं। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। एकेडमिक एक चीज़ है जो आदमी एकेडमिकली ख़राब भी करते हैं, लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करते हैं, तो ज़िंदगी में कभी भी एक दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को कमजोर ना हो, अपने अंदर निराशा ना बैठने दें। और जिस तरह से इस बच्ची ने एग्जाम्पल सेट किया है कि इन्होंने चारों तरफ निराशा होने के बाद ये उजाले की तरह जो है यहाँ से उभरी है, ये बाकी लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है। और बच्ची इसी तरह मेहनत करती रहे और आगे अपने वार्ड का, शहर का और देश का नाम रोशन करे, परिणाम परिवार का नाम रोशन करे, उसमें उपेक्षा रखते। बिटिया ने कहा है कि इसके पिताजी जेल में उसे मिलना चाहते हैं, कल हमें वहाँ जेल में बात करके इनको अपने पिताजी से मिलाएंगे और फटाफट उसमें जो है फास्ट ट्रायल करा के निराकरण कराएंगे, जिससे कि जो उन्होंने किया है उसकी वो कर पाए। लेकिन निश्चित रूप से उनको जेल में मालूम चलेगा कि उनकी बेटी ने उनका नाम इतना रोशन किया है, तो मुझे मालूम चलेगा। आज के दिन में बेटी और बेटे में अंतर नहीं है, एक एग्जाम्पल है आदमी को जो है सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटीज है। आप बोर्ड रिजल्ट हम देख सकते हैं, 10th और 12th दोनों में लड़कियों के रिजल्ट लड़कों के अच्छे रहे, दोनों जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। और जिस विविधताओं के बीच में लड़की ने बालिका ने रिजल्ट दिया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, और इसके लिए मैं इसकी थोड़ी थोड़ी अनुशंसा करता हूँ। सर बंद कर ले, नितेश एक फोटो ले ले, मैं दे रहा हूँ। Thank you.